कुरड़ाराम, इस नाम ने वे तो अच्छी तरह जाना है जो आदमपुर क्षेत्र के हैं, बाड़समंद क्षेत्र के साथी हैं। लेकिन यू नाम बहुत सारे साथियों की खातिर अनछुया सा है, अनसुना सा है। आप सब ने बता दूं, पिछले कई साल तक कुरड़ाराम बाड़समंद आदमपुर क्षेत्र में चाहे पानी की लड़ाई की बात हो, चाहे आमजन की लड़ाई की बात हो, उस लड़ाई ने लड़ते आवे। इब यो नाम आदमपुर उपचुनाव में क्यों उठ्या? कुरड़ा राम जो है वो कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक रखे हैं, रखिया करते कहूंगी तो मैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करते हुए उनकी जो टिकट है वो जेपी को दे दी है, यानी कि जयप्रकाश को दे दी है। जयप्रकाश के कैंडिडेट घोषित होते ही कुरड़ा राम ने एकदम तो पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़ के कुरड़ा राम न्यू देखने लग गया कि कौन सी पार्टी ते इतना टिकट मिल सके है, तो उसे पार्टी की तरफ दौड़ चलिया, और वो पार्टी थी इनेलो। अब इनेलो पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल ना रखते हुए, इनेलो पार्टी ने जो उस क्षेत्र के पिछले पुराने जो नेता हैं, पिछले जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हुए इनेलो पार्टी ने कुरड़ा राम तक टिकट दे दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए यह घोषणा कर दी। हमने दिक्कत कुरड़ा राम से नहीं है, क्योंकि कुरड़ा राम तो हमारा साथी है, कुरड़ा राम ने बहुत संघर्ष करा, बहुत लड़ाई लड़ी है। हमने दिक्कत पार्टी से है, हमने दिक्कत इस चीज से है कि जिस विचारधारा ने लेके कुरड़ा राम जी चल रहे थे, वो विचारधारा अब मेरे ख्याल से पार्टी चेंज की है, तो सिर्फ विधायक बनने की विचारधारा रहेगी। चलो जो जैसा है, हम किसी को अच्छा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते। आदमपुर उपचुनाव में जो हम हैं काम करांगे, वो करांगे भाई बीजेपी के विरोध में। कोई किसी ने बना दियो, हमने किसी तो दिक्कत नहीं है। कोई किसी ने वोट डाल दियो, हमने किसी तो दिक्कत नहीं है। कुरड़ा राम जीतो, जेपी जीतो, और सत्येंद्र जीतो, या फिर और कोई जो उम्मीदवार उड़ता उतार रखे है वो जीतो, हमने उन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। हमने लेना देना जरूर है बीजेपी हराणते, हमने काम करना है बीजेपी हराने के लिए, बीजेपी को मात देने के लिए काम करना है। आदमपुर इलेक्शन में पिछले 54 साल की जो मरोड़ है वो निकालने का काम करना है। आदमपुर का जो आम नागरिक है अब जाग चुका है, आदमपुर का जो बच्चा बच्चा है अब ये समझने लग गया है कि आदमपुर के लिए के सही है के गलत है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी तो दंगल छोड़ के पहले जा चुके हैं। उनका बेटा उस दंगल ने संभालने की खातिर आया है, जिस बेटा ने आज तक कुलदीप बिश्नोई जो है वो आंगली पकड़ के सिखाने का चलाने का काम कर रहे हैं। भव्य बिश्नोई जी हैं जो पिछला जो सांसद का इलेक्शन है वो भी आ रहे थे, और मेरे ख्याल से हराने का काम हम करांगे भव्य बिश्नोई ने। आदमपुर ते भी किसानी मुद्दे पर लड़के, शिक्षा के मुद्दे पर लड़के, रोजगार के मुद्दे पर लड़के ने बीजेपी के विरोध में हम उतरेंगे आदमपुर के मैदान में। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा हिसार बीजेपी का विरोध करेगा।